हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्मजीव टॉपिक का श्यामपट लेखन कौशल पर चर्चा किया था कि हमें कैसे श्यामपट लेखन कौशल विकसित करना है, कैसे उसका फाइल बनाना है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है कोशिका, इसका हम फाइल कैसे बनाएं। श्यामपट लेखन कौशल का ही टॉपिक है हमारा। जैसा कि ऑलरेडी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, प्रस्तावना कौशल के दो टॉपिक, स्पष्टीकरण कौशल दो टॉपिक, प्रश्नीकरण पुनर्बलन और श्यामपट कौशल, सारे कौशलों पे ऑलरेडी दो दो टॉपिक की वीडियोस बना दी है। आपको प्लेलिस्ट भी तैयार है, उपलब्ध है, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं एक बार। माइक्रो टीचिंग स्किल्स करके बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपको किसी भी टॉपिक का, किसी भी स्किल का वीडियो चाहिए तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहें तो इजीली वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार से सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और बाद में लास्ट में वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगेगी, आपको हेल्प करेगी, तो प्लीज़ बाद में जाते वक्त लाइक और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना हमने संख्या 10 लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया हमने सारे कौशल पर चर्चा कर लिया है, दो दो टॉपिक। ये श्यामपट लेखन कौशल का हमारा दूसरा टॉपिक है, कल सूक्ष्मजीव पर हमने चर्चा किया था। छात्राध्यापिका का या छात्राध्यापक का नाम लिख लेंगे, आप जो भी हैं वो लिखेंगे। अभ्यास केंद्र लिखेंगे, जहाँ जो आपका कॉलेज है उसका नाम लिखते हैं, क्योंकि वहीं पर आप माइक्रो टीचिंग स्किल का अभ्यास करते हैं, वो लिख लेंगे। दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र अवधि, 5 मिनट, 6 मिनट, जो भी है, ये सारी चीज़ें लिख के आगे बढ़ेंगे सीधा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोशिका। कोशिका आज का हमारा टॉपिक है। ये लिख के कौशल का नाम लिख देंगे। कौशल क्या है हमारा? कौशल का नाम है श्यामपट लेखन कौशल। आज हम ये देखेंगे श्यामपट लेखन कौशल, तो यहाँ पे कौशल का नाम में लिखेंगे श्यामपट लेखन कौशल। घटक अब लिखते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर गहनता से आपको बताया था कि कैसे लिखना है। तीन जो है हमारे, लेखन की स्पष्टता, श्यामपट कार्य में स्वच्छता और श्यामपट कार्य में उपयुक्तता, ये मेन हेडिंग है, और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले लेखन की स्पष्टता के अंदर पॉइंट, स्पष्ट अक्षर, उपयुक्त अक्षर। तीसरा है शब्दों में उपयुक्त अंतराल। चौथा है अक्षर कक्षा के अंतिम छोर से पढ़े जा सके। और पांचवा है अक्षरों की मोटाई में अंतर। और आखिरी हमारा बड़े एवं छोटे अक्षरों के आकार में अंतर। ये हमारा लेखन के स्पष्टता के अंदर कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें फॉलो करना होता है श्यामपट लेखन कौशल विकसित करने के लिए। इस पर हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ है अपने पिछले वीडियो में। ठीक, फिर है श्यामपट कार्य में स्वच्छता। इसमें तीन पॉइंट है हमारे, कौन कौन से? वाक्य सीधी लाइन में, मतलब कि श्यामपट के आधार के समांतर हो। दूसरा है दो लाइनों के बीच उपयुक्त अंतराल हो। शब्द अत्यालेखन न हो। उसके बाद ये सारे पॉइंट को भी हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि मतलब वाक्य जो है आप सीधी लाइन में लिखें, ये नहीं कि आप लिखते लिखते ऊपर चले जाएँ या लिखते लिखते नीचे सीधा चले जाएँ। दो लाइनों के बीच उपयुक्त अंतराल हो, ये नहीं कि एक आप यहाँ पर लिख रहे हैं अक्षर, एक यहाँ पर लिख रहे हैं, एक यहाँ पर लिख रहे हैं, नहीं, उपयुक्त अंतराल हो, कुछ कुछ दूरी पे आप लिखें। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी रहती है। फिर अगला है श्यामपट कार्य में उपयुक्तता। इसमें है श्यामपट कार्य में सततता। श्यामपट कार्य संक्षिप्त एवं स्पष्ट हो। रंगीन चाक का उपयोग करें जिससे आकर्षक लगे, बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लें, रुचि लें। फिर मुख्य शब्दों एवं बिंदुओं को रेखांकित करें। आप अगर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन कर दें, रेखांकित कर दें। चित्र पाठ के साथ बनाए गए हो, ये नहीं कि किसी और पाठ को आप पढ़ा रहे, किसी और पाठ का चित्र बना दे, कुछ कुछ भी बना दे, चित्र उपयुक्त हो। ठीक, इन सारे चीज़ों, ये घटक हैं हमारे कौशल के। इन सारे चीज़ों को हमें ध्यान में रख के अपने माइक्रो टीचिंग स्किल में श्यामपट लेखन कौशल को विकसित करना है, इन्हीं सारे चीज़ों को लेके चलना है। ठीक, इसीलिए उसको हम थोड़ा गौर से देखेंगे, उस पर गौर फरमाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या है? श्यामपट लेखन कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास करके निपुणता प्राप्त करना। मतलब कि आपने जो भी ये ऊपर ये सारे घटक लिखे हुए हैं, इसको क्या करें आप, इस विभिन्न घटकों का अभ्यास करें इसको, और उसमें निपुण हो, निपुणता प्राप्त करें। सहायक सामग्री जो भी आप यूज करेंगे वो लिख देंगे। ठीक, अब आते हैं शिक्षण बिंदु पर। शिक्षण बिंदु हमें पता है टॉपिक क्या हमारा, कोशिका है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे, ये छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया, जैसे लेसन प्लान में लिखते हैं श्यामपट कार्य,
श्यामपटकारी का भी एक बॉक्स बना लेंगे क्योंकि हम श्यामपट लेखन कौशल ही सीख रहे हैं। ठीक, अब इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे, हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? तो हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, छात्र बताएंगे, आप छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो वह जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका हो वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे आप, मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो छात्र बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई जो है कोशिका कहलाती है, ये लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोशिकाओं को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे छात्र को आप मौन कर देंगे, छात्र मौन हो जाएंगे और आप स्पष्टीकरण देंगे, आप अपना स्पष्टीकरण लिखेंगे। इसमें लिखते हैं कि सभी जीवों का शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की रचनात्मक कार्यात्मक तथा मूलभूत इकाई होती है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इन्हें कोशिका का जनक माना जाता है। कोशिका का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक, छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक या ध्यान से सुन रहे लिख देंगे और फिर आएंगे सीधा हम श्यामपट कार्य वाले बॉक्स में। यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी चीज़ें आप यहाँ पे स्पष्टीकरण में बताते हैं, व्याख्या देते हैं, वो सारी ही चीज़ें यहाँ पे आप साथ में ब्लैक बोर्ड पे लिख के और एक्सप्लेन भी करते हैं, साथ साथ बोल बोल के लिखते भी हैं, जब ये टीचिंग आप माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं इस स्किल का। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे कि कोशिका की जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, ये सारी चीज़ें आप लिख के बताएंगे। उसके बाद आलोचना या सुझाव का एक यहाँ पे लिख के हेडिंग छोड़ देंगे, जो भी आपके पर्यवेक्षक हैं वो आपके लिए क्या सुझाव है वो यहाँ पे लिखते हैं, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पे जगह बना देंगे। अब निरीक्षण तालिका एक बनाएंगे जिसमें वही सारी चीज़ें जो अभी हमने ऊपर कौशल के घटक में समझा वो यहाँ पे आप वही सारी चीज़ें लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे कि स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया। एक हाँ का कॉलम बनाएंगे और एक नहीं का कॉलम बनाएंगे। अगर आपने किया हुआ है स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग तो आपकी जो निरीक्षक है वो हाँ में यहाँ पे टिक करेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो वो नहीं में टिक करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है, स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग किया गया, अगर आपने किया है तो यहाँ पे हाँ में आपके यहाँ पे जो पर्यवेक्षक है उनके द्वारा टिक हो जाएगा, अगर आपने नहीं किया तो नहीं में कर देंगे वो टिक, क्योंकि वो तो बैठ के पीछे बैठ के निरीक्षण करते हैं ना जब आप टीचिंग करते हैं। तो फिर दूसरा, उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है तो हाँ में टिक हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप जो यहाँ पे कौशल के घटक में लिखते हैं यहाँ पे ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना रहता है, लेकिन ऐसे लिखते हैं किया गया है कि नहीं किया गया है, ऐसे लिख के आप यहाँ पे निरीक्षण तालिका बनाएंगे और टीचर आपके यहाँ पे निरीक्षक चेक करेंगे और टिक मारेंगे। बाकी है, शब्दों में उपयुक्त अंतराल है, हाँ है, हाँ पे टिक है। अक्षर कक्षा के अंतिम छोर से पढ़े जा सकते हैं। अक्षरों की मोटाई में अंतर है, नहीं। बड़े एवं छोटे अक्षरों के आकार में अंतर है, नहीं। फिर उसके बाद श्यामपट कार्य में स्वच्छता है, हाँ है। शब्द अत्यालेखन नहीं किया गया, उसके बाद वाक्य सीधी लाइन में है, हाँ। दो लाइनों के बीच उपयुक्त अंतराल है, हाँ। श्यामपट कार्य में सततता है, हाँ। श्यामपट कार्य संक्षिप्त और स्पष्ट है, हाँ है। रंगीन चाक का यहाँ पे उपयोग नहीं किया गया है तो नहीं में टिक कर दिया गया निरीक्षक के द्वारा, अगर आप करते हैं तो आपका हाँ में टिक हो जाएगा। फिर है, मुख्य शब्दों तथा बिंदुओं को रेखांकित किया गया, नहीं किया गया। यहाँ पे चित्र पाठ के साथ बनाए गए चित्र उपयुक्त थे, अगर नहीं होंगे तो नहीं में टिक हो जाएंगे। ठीक है, सो ये था आज का हमारा बायोलॉजिकल साइंस का श्यामपट लेखन कौशल का फाइल कैसे हमें लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल साइंस का प्रस्तावना कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, पुनर्बलन और श्यामपट लेखन कौशल। ये सारे जो टॉपिक है हमारे फिजिकल साइंस के हैं, तो अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, चुंबक पदार्थों का पृथक्करण, ये सारे टॉपिक पर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे, अभ्युदय क्लासेज यूपी से जुड़े रहेंगे। ठीक, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।